नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो पोषण ट्रैकर ऐप में बहुत सारे अपडेट नए आए हैं, उन अपडेट को मैंने वीडियो बना के आप सभी को जानकारी दे दिया है। लेकिन उसी अपडेट में एक और ऐसा अपडेट है जिसके बारे में आप सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उस अपडेट में उसमें क्या क्या जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कौन सी दवाइयां लेनी पड़ती है और क्या क्या अपने भोजन में अपने आहार में शामिल करना पड़ता है, उसी के बारे में यहां पे जो नो मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, इसके बारे में दिया गया है जो दिशा निर्देश, उसी के बारे में आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। तो जैसे कि हम यहाँ पे नो मोर का ऑप्शन दिया गया है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे जो भी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और जो भी बच्चे हैं उनका यहाँ पे कुछ है दिशा निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। आज का पहला पार्ट हम अपने जो कि गर्भवती महिलाएँ हैं, स्तनपान कराने वाली माताएँ हैं और जो 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है, कौन सी दवाइयाँ देनी पड़ती है, और उसी के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। प्रिवेंटिंग एनीमिया इन वुमेन, तो इसका हिंदी फॉर्म होता है महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम, और उसके लिए जो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं उसको यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया गया है, टेक IFA टेबलेट बिफोर यू गो टू स्लीप एंड गेट न्यू स्टॉक ऑफ टेबलेट्स फ्रॉम आंगनबाड़ी बिफोर द ओल्ड स्टॉक एंड्स। कहने का मतलब है जो यहाँ पे दिया गया है, सोने से पहले IFA यानी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो टैबलेट लें, और पुराना स्टॉक ख़त्म होने से पहले आंगनबाड़ी से गोलियों का स्टॉक नया ले लें। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप यहाँ पे है, इंक्लूड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स मिल्क कॉर्ड एंड प्रोटीन रिच फूड्स इन योर डाइट। ये दूसरा स्टेप बता रहा है कि अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। तो ये सारी जानकारी आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जब वो गर्भवती होती हैं तो उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नंबर में। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप दिया गया है, टेक डीवॉर्मिंग मेडिसिन बाय द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फ्रॉम आंगनबाड़ी सेंटर। ये तीसरा स्टेप कह रहा है, प्रत्येक तिमाही के अंत तक आंगनबाड़ी केंद्र से कृमि नाशक दवा लें, यानी कि जो कीड़ा वाला दवा होता है वही दवा बता रहा है कि अब प्रत्येक तिमाही के अंत तक आंगनबाड़ी केंद्र से कृमि नाशक दवा लें। यहाँ पे चौथा स्टेप बता रहा है, रिमेंबर दैट आयरन इज नेसेसरी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेकिंग ब्लड इन यू एंड योर बेबी। चौथा स्टेप बता रहा है, याद रखें कि आपके और आपके बच्चे के शारीरिक विकास और खून बनाने के लिए आयरन आवश्यक है। तो यहाँ पे चौथा स्टेप यही बता रहा है कि आपको याद रखना है कि आयरन आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपके और आपके बच्चों के लिए। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और उसके बाद स्तन पान कराने वाली माताएँ का जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो भी सेम टू सेम गर्भवती महिलाओं का जो मैंने अभी बताया सेम टू सेम वही इसमें भी दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। और उसके बाद जो 0 से 6 महीने के बच्चे हैं वो बच्चे अगर कमज़ोर होते हैं तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जिससे कि आप उससे
पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है हाउ टू आइडेंटिफाई ए वीक न्यू बॉर्न बेबी, कमज़ोर नवजात शिशु की पहचान कैसे करें। यहाँ पे वी कैन आइडेंटिफाई ए वीक बेबी ऑब्जर्विंग फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द डे ऑफ बर्थ। यहाँ पे ये बता रहा है हम जन्म के दिन निम्नलिखित तीन विशेषताओं को देखकर बच्चे कमज़ोर हैं या नहीं उसकी पहचान कर सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसी वक्त हमको पहचान करना होता है कि ये बच्चा कमज़ोर है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे थ्री स्टेप दिए गए हैं जिससे कि आप उसकी पहचान कर सकते हैं। पहला स्टेप दिया गया है इज द बर्थ वेट ऑफ द बेबी 2000 ग्राम और लेस। यहाँ पे पहला स्टेप बता रहा है क्या बच्चे का जन्म 2000 ग्राम या उससे कम है, यानी कि 2 kg से कम है, अगर इतना से कम है तो वो बच्चा को कमज़ोर माना जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर स्टेप में बता रहा है इज द बेबी बॉर्न बिफोर 8.5 months ऑफ प्रेगनेंसी, तो क्या बच्चे का जन्म गर्भावस्था के नौ महीने पहले हुआ है। यहाँ पे 8.5 दिखा रहा है यानी कि 9 महीने के पहले हुआ है 8.5 महीने के तक, तो उसको हम लोग कमज़ोर मानेंगे। और तीसरा स्टेप दिया है इज द बेबी अनेबल टू सॉक वाइग्रोसली एट द ब्रेस्ट, इफ आंसर ऑफ एनी ऑफ द एबव 3 questions इज येस देन बेबी इज आइडेंटिफाइड एज वीक, सच बेबीज रिक्वायर स्पेशल केयर टू हेल्प देम सर्वाइव। कह रहा है अगर तीनों स्टेप में अगर यदि तीनों प्रश्नों में किसी का भी उत्तर हाँ है तो शिशु की पहचान कमज़ोर रूप में की जाएगी। ऐसे शिशुओं को जीवित रहने में मदद के लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वीक बेबीज रिक्वायर स्पेशल केयर विथ इंक्लूड द फ्लोइंग, कमज़ोर शिशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। इसके बाद यहाँ पे जो शिशुओं की देखभाल कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे कुछ निम्नलिखित जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर है पे फॉर अटेंशन टू कीपिंग द बेबी वार्म, प्रीफरबली यूज कंगारू मदर्स केयर KMC एज मच एज पॉसिबल, डू नॉट बाथ द बेबी फॉर एट लास्ट 7 days। यहाँ पे ये बता रहा है पहला स्टेप कि उस बच्चे को कैसे देखभाल करेंगे। यहाँ पे जो स्टेप दिए गए हैं पहला स्टेप है बच्चे की केयरिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे पहला स्टेप में है पे मोर अटेंशन टू कीपिंग द बेबी वार्म, प्रीफरबली यूज कंगारू मदर केयर KMC का मतलब होता है कंगारू मदर केयर, एज मच एज पॉसिबल डू नॉट बाथ द बेबी फॉर एट लास्ट 7 days। यहाँ पे ये कह रहा है कि बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके गर्म रखना है, और जो कंगारू माँ होती है कंगारू वो अपने बच्चे को जिस प्रकार से ढक के रखती है उसी प्रकार से अपने बच्चे को भी ढक के रखना है, ठंड नहीं लगने देना है, और हो सके तो बच्चे को कम से कम 7 दिन तक नहीं नहलाना है ताकि बच्चा को ज़्यादा ठंड ना लगे और बच्चा स्वस्थ रहे। पे मोर अटेंशन टू क्लीनलाइननेस, प्रीफरबली वॉश हैंड विथ सॉप एंड लेट देम ड्राई बाई थेम्सलेव एयर ड्राई बिफोर टचिंग द बेबीज फॉर एनी पर्पस सच एज क्लीनिंग फीडिंग और क्लीनिंग क्लोथ्स। दूसरा नंबर स्टेप कह रहा है कि साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, साबुन से हाथ धोना है, और किसी भी कारण के लिए बच्चे को बार बार नहीं छूना है,
जैसे कि साफ सफाई के पहले उस बच्चे को छूना नहीं है, खिलाना हो या कपड़ा बदलना हो तो उससे पहले हाथ वगैरह धो लेना है, और जो कपड़े हैं उसको अच्छी तरह से हवा में सुखा लेना है। और यहाँ पे तीसरा स्टेप में है, पे मोर अटेंशन टू ब्रेस्ट फीडिंग, फीड द बेबी एवरी 1-2 hours, वेक अप द बेबी इफ ब्रेस्ट इच टाइम इफ द बेबी कैन नॉट इम्पटी आउट बोथ ब्रेस्ट इन वन गो, इफ रिक्वायर्ड एक्सप्रेस मिल्क इन टू ए कप एंड यूज ए स्मॉल कटोरी और कप टू फीड ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी। वीक बेबीज रिक्वायर स्पेशल केयर अंटिल दे स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग बाई ग्रोसली एंड आर गेनिंग। सबसे पहले थर्ड नंबर का ऑप्शन समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाने पे ध्यान देना है और हर 1-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है, और अगर बच्चा दूध को पिलाने के दौरान वह सो जाता है तो उसको जगाना है। यदि शिशु एक बार में दोनों स्तनों को खाली नहीं कर देता है तो हर बार वैकल्पिक स्तनों से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो दूध को 1 कप में व्यक्त करें और बच्चे को स्तन का दूध पिलाने के लिए एक छोटी कटोरी या कप का उपयोग करें। कमज़ोर शिशुओं के यहाँ पे जो स्टेप दिया गया है, कमज़ोर शिशुओं को तब तक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है जब तक कि वे शक्ति से स्तनपान शुरू नहीं कर लेते और पर्याप्त रूप से वजन नहीं बढ़ा लेते। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे को 1-2 घंटे में दूध पिलाना है, और अगर हो सके तो बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो माँ के दूध को एक कटोरी में निकाल के उस बच्चे को दूध पिलाना है, और तब तक और कमज़ोर शिशुओं को तब तक ध्यान देखभाल करना है जब तक कि वो शक्ति से दूध पीना शुरू नहीं कर लेता है और वो अपना पर्याप्त रूप से उसका वजन नहीं बढ़ने लगता है, तब तक उसको दूध पिलाते रहना है। तो आज हमने आप सभी को पोषण ट्रैकर में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो 0-6 मंथ के बच्चे हैं, उनको अपने आहार में कैसे ध्यान रखना है, और जो बच्चा कमज़ोर है उसको कैसे ध्यान रखना है कि बच्चा स्वस्थ हो जाए, तो इसी के बारे में मैंने आपको आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि 6 मंथ से लेकर 3 साल और 3 साल से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कौन कौन सी देखभाल की ज़रूरत होती है, कौन से आहार को उसमें शामिल करना होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा था, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने जितने भी ग्रुप हैं आंगनबाड़ी के उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।